कल दोपहर पानीपत में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण की घटना के बाद अपहरणकर्ता बच्ची को उसके घर के बाहर से साइकिल पर बिठाकर ले गया था। अपहरण का मामला पानीपत पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने तुरंत अलग अलग 10 विशेष टीमों का गठन कर 4 घंटे के भीतर ही बच्ची को सकुशल आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। डीएसपी विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कल दोपहर 3 बजे जाटल रोड सोधापुर फौजी नगर निवासी ने असंद रोड चौकी में शिकायत देकर बताया था कि उसकी 4 वर्षीय बेटी कुछ समय पहले खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी, जिसका अज्ञात युवक ने अपहरण कर लिया है। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने 10 विशेष टीमों का गठन कर प्रत्येक टीम में 20-20 जवानों को तैनात कर पूरे जिले की प्रत्येक कॉलोनी, गली व शहर से निकलने वाली मुख्य सड़क पर गहनता से छानबीन कर बच्ची को सकुशल बरामद करने में लगा दिया व कंट्रोल रूम में वीटी कर पूरे जिले में नाकाबंदी कर गहनता से जांच शुरू कर दी। पानीपत उप पुलिस अधीक्षक विजेंद्र सिंह व प्रबंधक थाना मॉडल टाउन इंस्पेक्टर हरविंदर सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज की गहनता से जांच करते हुए 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल गांव भादड़ के पास से आरोपी के कब्जे से छुड़वा दिया और आरोपी को काबू करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी की पहचान ओम प्रकाश पुत्र जय भगवान निवासी सुताना के रूप में हुई है। आरोपी बच्ची को साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा था। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग करेगी। कल जाखल रोड के ऊपर से फौजी कॉलोनी के अंदर से करीब 4 साल की गुड़िया का एक साइकिल सवार द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी की 10 टीमें तैयार करके प्रत्येक टीम के अंदर 20 थे, चारों दिशाओं भेजे गए और उनकी मदद से और सीसीटीवी कैमरे की मदद से और उनकी तत्परता की कार्रवाई से लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। दोषी को भी मुकदमा जमा गिरफ्तार करके आज पेश दर्ज किया गया।